तिरंगा फहराने के लिए महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री रमेश बैस जी। झंडोत्तोलन का यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से प्यारे भाइयों और बहनों जोहार। झारखंड की उपराजधानी दुमका से मैं समस्त देशवासियों एवं झारखंड वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड की माटी ऐसे वीर सपूतों की जननी रही है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धो कान्हू जैसे अनेक वीर सपूतों ने बलिदानों से सिंचित इस भूमि पर राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर झारखंड की बलिदानी भूमि से राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने पर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ झारखंड के महान सपूतों भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धो कान्हू, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक स्वतंत्र समतामूलक एवं समृद्ध भारत के सपने को पूरा करने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी है। उन महान विभूतियों की संघर्ष गाथा एवं शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस अवसर पर मैं देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने में शहीद हुए सैनिकों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्यारे राज्यवासियों, आजादी के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। विश्व के मानचित्र पर आज हम एक सफल लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुए हैं। इस विकास यात्रा में हमने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, परंतु देश के विकास के मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल का हमने मिलजुल कर सामना किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारा देश व राज्य भी इससे अछूता नहीं है। राहत की बात यह है कि राज्यवासियों के सहयोग एवं जागरूकता तथा सरकार द्वारा इस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों की बदौलत हम इसे काफी हद तक नियंत्रण करने में सफल हुए हैं। राज्य में टीकाकरण का कार्य भी तीव्र गति से जारी है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही भी हमें मुश्किल में डाल सकती है। राज्यवासियों से मेरी अपील है कि इस महामारी से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को हम पालन करें। झारखंड की भूमि अतुल्य प्राकृतिक सौंदर्य एवं बहुमूल्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रकृति ने झारखंड को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। संभावनाओं से परिपूर्ण इस राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमारी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लोक कल्याणकारी, संवेदनशील, पारदर्शी व बेहतर प्रशासन की स्थापना, समावेशी विकास तथा विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच राज्य में विकास की गति बाधित न हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में
उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित व औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू किया गया है। इससे निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। हमारी सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड में कुल 2185 मेट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है। इसमें संथाल परगना का क्षेत्र विशेषकर दुमका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुमका क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 900 मेट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन अनुमानित है। तसर उत्पादन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से सरकार द्वारा रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेगा हैंडलूम क्लस्टर के द्वारा दुमका के बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। संथाल परगना क्षेत्र में पारंपरिक रूप से बांस शिल्प का हुनर पाया जाता है। बांस शिल्प कला का विकास इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा पूरे राज्य से 10,336 लाभुकों का चयन कर उन्हें बाजार आधारित बांस शिल्प में 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्तियों नियमावली एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ की गई है। परीक्षा संचालन नियमावली के अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थी का मैट्रिक 10वीं तथा इंटरमीडिएट 10-2 कक्षा झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। इसे झारखंड राज्य की शिक्षा प्रणाली को गति मिलेगी। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में उपरोक्त प्रावधान को शिथिल किया गया है ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपए दोनों में से जो कम राशि हो लाभुकों को दिया जाएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों का कृषि ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 750 करोड़ रुपए की राशि 1,82,561 कृषकों के ऋण खाते में अंतरित की गई है। इस वर्ष की योजना के रूप में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र
को समय के रूप से कृषि एवं विभिन्न आयाम जैसे उन्नत कृषि तकनीक उद्यानिक फसलों को की बेमौसी खेती पशुपालन मत्स्य पालन सिंचाई एवं उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जाएगी। उक्त कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र पशुपालन क्षेत्र मत्स्य पालन क्षेत्र सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार मुखी बनाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत पशुपालन के द्वारा राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण किसान एवं खेतिहर मजदूर भाइयों को अनुदान पर पशुधन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही पशुपालन के लिए शेड निर्माण भी अनुदान दी जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के 62,000 किसानों को कुल 147 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगा। हमारी सरकार द्वारा मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विगत वर्ष राज्य में 4 महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया था। उक्त सभी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 21,000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए लगभग 30,000 हेक्टर भूमि पर उपचार किया गया है। वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के तहत 97 खेल मैदानों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1717 खेल के मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 2,00,000 महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,442 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 1,13,088 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के 24 जिलों के 273 प्रखंडों के 27,586 गांवों में करीब 2,61,239 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है। झारखंड के करीब 32,00,000 से ज्यादा परिवारों को सखी मंडल में जोड़ा जा चुका है। आजीविका सशक्तिकरण के तहत करीब 17,00,000 परिवारों को कृषि आधारित आजीविका एवं करीब 3,00,000 परिवारों को पशुपालन से जोड़ा गया है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत राज्य की करीब 13,300 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत कामकाजी एवं शहरी बेघरों को के लिए राज्य के 45 नगर निकायों में कुल 95 आश्रय गृह संचालित हैं। शहरी गरीब महिलाओं को एवं स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दुमका प्रक्षेत्र में 1,786 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है एवं कुल 1,32,00,000 की राशि चक्री निधि के रूप में प्रदान की गई है। कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत कुल 93,157 शहरी गरीबों SHG सदस्यों को
विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है। दुमका प्रक्षेत्र में कुल 13,221 शहरी गरीबों एसएचजी के सदस्यों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है एवं 5,597 लाभुकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास जारी है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4,091 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की परिकल्पना की गई है। प्रथम फेज में लगभग 290 करोड़ की लागत से जिला स्तर पर संचालित 80 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया कर दिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के उन्नयन हेतु 974 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आईसीटी लैब स्थापित किया गया है। इसमें से 203 विद्यालय संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1972 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना है, जिसमें 530 विद्यालय संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त राज्य के 388 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ किया गया है। संथाल परगना प्रमंडल में 86 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। विगत वर्ष हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ऐसे छात्र छात्राओं जिन्हें किसी भी स्तर से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है, जिससे कुल 1,28,292 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 16,33,546 छात्र छात्राओं को कुल 194 करोड़ रुपए का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,93,389 छात्र छात्राओं को कुल 234 करोड़ का भुगतान किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 20.9 हो गया है। सकल नामांकन अनुपात दर में वृद्धि के उद्देश्य से झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं झारखंड जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने तथा संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम हेतु सतत निगरानी एवं सघन जांच की जा रही है। इसके लिए टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट तथा वैक्सीनेट की रणनीति अपनाई गई है। पीएम केयर्स फंड द्वारा झारखंड राज्य में कुल 38 पीएसए प्लांट एवं राज्य के अन्य स्रोतों से 34 पीएसए प्लांट अर्थात कुल 72 पीएसए प्लांट अधिस्थापन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में कम आयु वर्ग के बच्चों संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में रखकर समुचित तैयारी की जा रही है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पलामू, दुमका एवं हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इन नव निर्मित मेडिकल कॉलेजों के लिए
500 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोडरमा एवं चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं सदर अस्पताल का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। सदर अस्पताल रांची में 200 बेड मातृ एवं शिशु सेवा केंद्र तथा अन्य 300 बेड वाले वार्ड ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अस्पताल का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। जिला स्तर पर प्रशासनिक आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु गिरिडीह में 27 करोड़ रुपए की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो पूर्ण होने वाला है। धनबाद में 33.94 करोड़ रुपए एवं गोड्डा में 38.35 करोड़ रुपए की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गढ़वा में 54 करोड़ रुपए की लागत से नया समाहरणालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। गुमला सरायकेला खरसावा में अनुमंडली कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य के आर्थिक सामाजिक औद्योगिक एवं पर्यटन विकास हेतु उन्नत यातायात व्यवस्था का होना जरूरी है। राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर सड़क के उन्नयन की कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत अंतर जिला मार्ग एवं विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण मार्गों को शामिल किया गया है। झारखंड को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्गों को भारत सरकार के माध्यम से 4 लेनिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। संथाल परगना क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में गोविंदपुर से साहेबगंज मार्ग को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत पाकुड़ तथा दुमका जिला अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर सड़क संपर्क हेतु इस वित्तीय वर्ष में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत 420 ग्रामीण सड़कों के कुल 2031 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 220 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 592 ग्रामीण सड़क के कुल 1632 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 256 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। संथाल परगना प्रमंडल में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत कुल 86 ग्रामीण सड़कों के 545 किलोमीटर तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 50 मार्गों के 278 किलोमीटर मार्गों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। झारखंड को बिजली और अधिशेष राज्य बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पतरातू में 2400 मेगावाट तथा एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा में 1980 मेगावाट के विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बकाया राशि के ब्याज को माफ करने हेतु एक मुश्त समझौता योजना की शुरुआत की गई है। स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रांची के गेतल सुद बांध में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राज्य के 453 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 5.1 मेगावाट क्षमता वाला स्टैंड अलोन सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
इस वर्ष लगभग 16 लाख ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। खेल के क्षेत्र में झारखंड राज्य की अलग एक पहचान है। झारखंड में खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु नई खेल नीति 2020 का गठन किया गया है। साथ ही सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य में जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर 39 पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन कर विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने, जिसमें झारखंड की दो बेटियां शामिल थी, सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा और यह साबित कर दिया कि वे दुनिया की बेहतर से बेहतर टीमों को हराने की क्षमता रखती है। झारखंड की बेटियों सलीमा टेटे एवं निकी प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल इन दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की नगद राशि का भुगतान किया गया है। राज्य में अधिकाधिक वृद्ध जनों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3.5 लाख को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है तथा वर्तमान में इस योजना से लगभग 5,50,000 वृद्ध जन लाभान्वित हो रहे हैं। बेसहारा बुजुर्गों के आश्रय हेतु वृद्धा आश्रम राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 संचालित किया जा रहा है। राज्य में कुपोषण उन्मूलन हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है। हमारी सरकार राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कोरोना काल में भी घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण आहार निर्माण हेतु LPG की सुविधा प्रदान की है। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, इस सरकार की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग के राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर मैं अंत में कहना चाहूंगा कि झारखंड की खुशहाली के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए तथा राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हमें एकजुट होकर सच्चे मन से प्रयास करने का संकल्प लेना होगा। राज्य हित में हमें अपने सामाजिक राजनीतिक मतभेद भुलाकर झारखंड के विकास के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना होगा, ताकि हर चेहरे पर मुस्कान लाने में हम सफल हो सकें। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी मंगल कामना है कि समस्त झारखंडवासी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय झारखंड।